नमस्कार, मैं लाजपत राय कपूर सेल ट्रैक के 15वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आइए नज़र डालते हैं सेल की कुछ प्रमुख खबरों और उपलब्धियों पर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सेल की पहली तिमाही के रिजल्ट पर। पहली तिमाही के दौरान सेल ने 43.23 लाख टन हॉट मेटल और 36.53 लाख टन सेलेबल स्टील का उत्पादन किया है। इसके साथ ही सेल डिक्लेयर्ड प्रॉफिट फोर टैक्स ऑफ रुपीज 103.93 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 68.84 करोड़। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने इस दौरान कहा, सेल चुनौतीपूर्ण बाजार दशाओं के बावजूद पिछली 7 तिमाहियों से लाभ दर्ज करना जारी रखे हुए है। अब बढ़ते हैं केंद्रीय इस्पात मंत्री के सेल के संयंत्र और खदानों के दौरे की तरफ। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील श्री धर्मेंद्र प्रधान विजिटेड सेल्स बोकारो स्टील प्लांट, वेरियस माइंस अंडर सेल्स रॉ मटेरियल डिवीजन एंड सेल्स RDCIS ड्यूरिंग हिज विजिट टू झारखंड। श्री प्रधान ने सेल के गुआ, किरीबुरु, मेघाताबुरु और बोलानी माइंस का भी दौरा किया। श्री प्रधान ने इस बीच सेल के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे एकलव्य आर्चरी एकेडमी, सुवन छात्रावास और किरण वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर का भी दौरा किया। इससे पहले इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने 10 अगस्त 2019 को भिलाई का दौरा किया। इस दौरान माननीय मंत्री ने महामाया ब्लास्ट फर्नेस 8, स्टील मेल्टिंग शॉप 3, यूनिवर्सल रेल मिल एवं रेलवे स्ट्रक्चर मिल का अवलोकन किया। अब एक ऐसी खबर जिसने पूरे सेल परिवार को झकझोर कर रख दिया। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी पर 7 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे हुडको प्लेस के पास जानलेवा हमला किया गया। यह हमला उस दौरान हुआ जब वह लोधी रोड स्थित अपने ऑफिस से एशियाड विलेज स्थित अपने आवास की ओर लौट रहे थे। हमलावरों ने सेल अध्यक्ष के सिर, गले, घुटने और पैर पर लोहे की राड से हमला किया। श्री अनिल कुमार चौधरी ने इस घटना पर कहा, मैं हमलावरों द्वारा किए गए इस अप्रत्याशित और हिंसक हमले से आश्चर्यचकित हूँ। मुझ पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस अगर समय पर नहीं पहुँचती तो हमलावरों को नहीं पकड़ा जा सकता। उस दिन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया, जिसका ये नतीजा हुआ कि 2 आदमी ऑन द स्पॉट पकड़े गए। अब सेल में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस पर एक नज़र। सेल के लोधी रोड स्थित मुख्यालय में सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज फहराया और उसे सलामी दी। इस दौरान सेल प्रांगण में स्टील से बने करीब 72 फीट ऊंचे पोल पर लगे राष्ट्रध्वज का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही सेल के देश भर में स्थित सभी संयंत्रों और इकाइयों में 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पेश है कुछ झलकियाँ। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप गुनगुनाइए यह गीत। लेकिन ध्यान रहे, सेल के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।